पंजाब पुलिस के द्वारा आज तमाम जो बॉर्डर्स हैं पंजाब के सटे हुए अन्य राज्यों के साथ, वहां पर ऑपरेशन सीज चलाया गया है, जिसके अंदर काफ़ी बड़ा एक चेकिंग अभियान चलाया गया। तमाम जो सीमाएं दूसरे राज्यों के साथ लगती हैं उस पर ये पूरा ऑपरेशन सीज किया गया है। हमारे साथ इस ऑपरेशन को लेकर बात करने के लिए पंजाब पुलिस के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला जी मौजूद हैं। सर, ऑपरेशन सीज क्या है, मतलब इसके पीछे क्या आप लोगों की सोच है और कैसे आप लोगों ने पूरे बॉर्डर्स को सील करके इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया? आज पंजाब के जो 5 राज्य हमारे साथ लगते हैं उनकी सबकी सीमाओं को सील किया गया। जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, 131 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए जहां आज नाकेबंदी की गई। और जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल और JNK, उनकी पुलिस से भी हमने कोऑपरेशन लिया, उनको अपना बॉर्डर सील करने के लिए कहा और जितने भी लोग वहाँ से पास हुए या एंटर हुए या एग्ज़िट हुए उनकी चेकिंग की गई। बेसिक उद्देश्य था जो गैंगस्टर्स और हमारे ड्रग स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसने का, ताकि जो भी इंटर स्टेट मूवमेंट है इसको रोका जा सके और इन पे नकेल डाली जा सके और कानूनी प्रक्रिया जारी की जा सके। इस ऑपरेशन के तहत अभी तक 38 FIRs लॉज हो चुकी हैं, 42 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 48 गाड़ियों को इम्पाउंड किया गया है जिनके पास जो ठीक नहीं पाए गए। सो ये हमारी जो एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है अगेंस्ट गैंगस्टर्स, ड्रग ट्रैफिकर्स, स्मगलर्स, इनके खिलाफ जो ऑपरेशंस चलते हैं उसी की कड़ी में एक ये कदम था। तो सर, ये जो 38 FIR दर्ज की गई हैं, कोई हथियार ड्रग्स की रिकवरी भी हुई है या उसको लेकर अभी एनालिसिस चल रहा है, आप लोग लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं अभी? नहीं, इसमें ड्रग्स की रिकवरी हुई है, इंटॉक्सिकेंट्स की रिकवरी हुई है और जो डिटेल्स होंगी अभी हम आपसे शॉर्टली कंपाइल करके साझी करेंगे। सर, ड्रग्स और गैंगस्टर, ये दो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर पंजाब पुलिस लगातार एक्शन में रहती है। इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार ऐसे कैंपेन चलाए हैं, आने वाले दिनों में और भी हम इस तरह के कैंपेन देखेंगे कि ड्रग्स की तस्करी करने वाले या फिर गैंगस्टर्स हैं उनके अंदर खौफ बने कि पंजाब पुलिस अलर्ट है, जगह जगह इस तरह के चेकिंग अभियान चल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व है कि पंजाब को इन एंटी सोशल एलिमेंट से, ड्रग ट्रैफिकर्स से और जो हमारे गैंगस्टर्स हैं इनसे फ्री कराया जा सके और ये हमारी लगातार कवायद चलती रही है और ये आगे भी चलती रहेगी। तो आगे भी ये कवायद चलती रहेगी। ऑपरेशन सीज के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है, तमाम जो सीमाएं पंजाब की दूसरे राज्यों से लगती है वहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया और बड़े स्तर पर ड्रग्स की तस्करी करने वाले और खासतौर पर जो गैंगस्टर्स हैं जो कि पंजाब में अपने ऑपरेशन को एक्टिव करना चाहते हैं उनके खिलाफ पंजाब पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।